इंडिया इंडिया गठबंधन इंडिया इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पर था, आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूँ छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्ज़ाम करा कर ही अपना आंदोलन ख़त्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्ज़ाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा, 60 लाख गुणा 3, अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1,80,00,000 लोग होते हैं। और 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। बसपा के साथ गठबंधन हो रहा है क्या? गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं, 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ, बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़े कुछ नहीं आने थी। ये चुनाव में लड़ाई जाता है, चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहां से लड़ेंगे? कहां से लड़ेंगे चुनाव? आप लड़ाएंगे? अरे हम लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप जो है पूजा पाल जी केशव जी से मिली है, क्या वो पार्टी छोड़ रही है? देखिए, जो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए और कुछ लोग सामान के लिए राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, विश्वगुरु भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो? इतना पैकेज की बात कर रहे हो? लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आज़ादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए, मदरसा बोर्ड है। और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को
दुश्मन है देश की। अच्छा, AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का। देखिए, आपको फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे के पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजंगला थी, रिजंगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारे सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो, अरे आजकल तो PDF फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज़ आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है, और कितने महीने का समय मांग रहे, 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो, चिंता का विषय है। दो वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे, उसके साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या? आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा। ए, तुम क्या बातें करते हो, तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। अभी मैं नोएडा से होकर के आया हूँ, हिंडन काली हो गई है, हिंडन नदी काली है, कानपुर की आज खबर छपी है, नाले सी